स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में यह अन अकेडमी का लेट्स यूपीएससी सीएससी हिंदी का चैनल है आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के परिपेक्ष में जो भारत में संवैधानिक सुधार हुए थे ब्रिटिश सरकार के अधीन उसका अध्ययन करेंगे हालांकि इस परिपेक्ष में हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 के चार्टर एक्ट का अध्ययन पहले से एक क्लास में किया हुआ है इसी क्रम में हम लोग निरंतर बढ़ेंगे और आज की क्लास में सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट सत्रह का चार्टर एक्ट सत्रह का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट और अठारह के चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे हो सकता है अठारह के भारत सरकार अधिनियम का भी हम लोग आज की क्लास में ही अध्ययन करें हालांकि यह जो अध्ययन है वह प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी होगा एक तरीके से रामबाण के तरीके से होगा आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि यह जो चैप्टर है यह आधुनिक भारत के इतिहास का भी चैप्टर है चैप्टर है और भारतीय संविधान का भी है। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो भारतीय राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग वहां से पढ़ते तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से शुरू करते और संविधान सभा के गठन की बात करते संविधान बनता और हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता उसकी उद्देशिका पर आ जाते और अध्ययन प्रारंभ कर देते एक यह भी ध्यान रखना है कि इतिहास की प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो यहां से प्रश्न जरूर आता है प्रारंभिक परीक्षा में कम से कम दो से तीन प्रश्न आने की संभावना हमेशा बनी रहती हालांकि करीब करीब एक हफ्ते से आप लोगों के बीच में हमारी क्लास नहीं हो पाई उसके लिए हमें भी काफी खेद है वो तमाम सारी टेक्निकल समस्या थी इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई और आखिरी समय में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारी क्लास हो रही थी तो हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी अध्ययन करेंगे लेकिन एक दो दिन रुक के अध्ययन करेंगे तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ेंगे जो आज हमने मुख्य मुख्य चैप्टर बताए उनका अध्ययन हम लोग करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं स्वागत है यहाँ पे आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने पे अनकेडमी में कुछ व्यवस्थाएं कुछ जो खास सुविधा मिलती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेने पे आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है इसके अलावा यहाँ पे जो भी आपको कोर्स मिलता है वो फॉर्म में मिलता है यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट और क्विज की सुविधा मिलती है, और यहाँ पे वीडियो का अनलिमिटेड एक्सेस भी मिलता है ये चार आधारभूत सुविधाएं <coughs> यहाँ पे सबक्रिप्शन लेने पे जो देश के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो एक्सपर्ट हैं उनका आप लोगों को निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है निरंतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा इसके अलावा यहाँ पे यूपीएससी सीएससी सी एस सी अल्टीमेट सरप्राइज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा यह सुविधा आपको दी जा रही है इसमें 20 बुक हैं और ये सब्सक्रिप्शंस पे उपलब्ध होती है यह सुविधा इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे यूपीएससी सीएससी सी एस सी मेगा सब्सक्रिप्शंस ऑफर भी आप लोगों के सामने है इस सब्सक्रिप्शन को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इसमें आप लोगों को हमारे रेफरल कोड का यूज करना है हमारा रेफरल कोड यहाँ पे आप लोगों के बीच में है इसके अलावा यहाँ पे दो तरीके का सब्सक्रिप्शन है और यह जो दोनों सब्सक्रिप्शन है ये सामान्य अध्ययन के परिपेक्ष में है सामान्य अध्ययन का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है और आइकोनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स आपको यहाँ पे छह महीने के रूप में मिल रहा है और यह बारह महीने ये चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में मिल रहा है इसमें आप लोग यहां पर हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी का प्रयोग करें और इसे अप्लाई करेंगे तो यहां पे ये जो फी है इसमें आपको दस प्रतिशत छूट मिलेगी इसी तरीके से आपका आइकोनिक कोर्स है यह आपको 12 महीने 24 महीने और 36 महीने के रूप में है यहाँ पे भी आप लोग हमारे रेफरल कोड संजीव एस एन जे डबल ई वी का प्रयोग करें ऐसा करने पे यहाँ पे भी जो फीस अंकित है इसमें भी आपको 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी ये है दो खास बातें थी इसके अलावा अन एकेडमी जो यूपीएससी सीएससी सी में ऑप्शनल पेपर होता है वहां का भी सब्सक्रिप्शन आप लोगों के बीच में है यह है एक महीने छ महीने बारह महीने चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में है इसमें भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल ई बी का प्रयोग करें ऐसा करने पे यहां पे भी आपको फीस में दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा आगे बढ़ते हैं ऑप्शनल पेपर और सामान्य अध्ययन यानी जीएस का एक तरीके से कंबाइंड कोर्स चला रहे और कंबाइंड है, है महीने, चौबीस महीने और छत्तीस महीने के रूप में भी है यहाँ पे भी आप लोग हमारे रेफरल कोड एस ए एन जे डबल -E ई -E वी का प्रयोग करें ऐसा करने पे यहाँ भी जो फीस है उसमें दस प्रतिशत की छूट मिलेगी इसके अलावा ये जो प्लस कोर्स और आइकोनिक कोर्स है तो प्लस कोर्स की अपेक्षा जो आइकोनिक कोर्स है वो काफी आधारभूत कोर्स है उसमें आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिल रही है उसमें आपको नोट्स भी मिलेगा उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा ये तमाम सारी खास बातें इन कोर्सों की हैं इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि आन अकेडमी ने 14 अप्रैल से कई प्रकार के बैचों को प्रारंभ किया हुआ है ये फ्रेश बैच है इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का मिशन विक्ट्री प्रकार का एक बैच है इसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं इसके अलावा एम का भी एक बैच है इसमें भी शामिल हो सकते हैं कंप्लीट टू ईयर का बैच भी अन ने प्रारंभ किया है यहाँ भी आप लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं एनसीआरटी का स्पेशल बैच प्रारंभ किया हुआ है और इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो कंप्लीट वन ईयर का भी बैच प्रारंभ किया हुआ है अपनी सुविधा के अनुसार इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसके अलावा अन अकेडमी हमेशा एक कॉम्बैट सीरीज का आयोजन करती है इस बार भी जो कॉम्बैट सीरीज होगी वो संडे को होगी 11 बजे आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं पहुंचते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक पर तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए शुरुआत करते हैं हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का अध्ययन करेंगे तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हम लोग आज पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट यहीं से हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करेंगे तो चलिए स्वागत है अब आप लोगों के बीच में हमारी क्लास निरंतर होगी किसी भी दिन कोई भी गैप नहीं होगा निरंतर आप लोगों के बीच में क्लास होगी और आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं ये दूसरी क्लास है करीब करीब दो घंटे की क्लास होगी मतलब डेढ़ घंटे से ज्यादा की क्लास दो घंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी इसके बाद में आज ही नौ बजे से हमारी एक और क्लास होगी और उसमें जिस तरीके से हम लोग प्राचीन भारत का यम के रूप में अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्लास होगी उसकी शायद सातवीं या आठवीं क्लास होगी और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए पहले ही बता दे रहा हूं कि जैसे आप लोगों ने देखा कि जो छह क्लास पहले हो चुकी उसमें करीब करीब ढाई सौ प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं और वो मौर्य काल मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के इतिहास का अध्ययन उसमें कर चुके हैं तो प्राचीन भारत में हम लोग थोड़ा सा पीछे लौटेंगे और आज पाषाण काल का अध्ययन करेंगे और पाषाण काल के बाद उसी क्रम में हम लोग सैंधो सभ्यता फिर वैदिक युग का अध्ययन करेंगे फिर बौद्धिज्म जैनिज्म का अध्ययन करेंगे और दक्षिण भारत के इतिहास का भी हम लोग अध्ययन करेंगे प्रश्नोत्तर शैली में छोड़ेंगे कुछ भी नहीं तो ये नौ बजे से क्लास होगी इसी चैनल पर होगी इसी यूट्यूब चैनल पर होगी तो आप लोगों का स्वागत रहेगा उस क्लास में ठीक और अगर कोई भी बात आप लोगों को ऐसी लगती है कि जो पूछने योग्य है जो उपयोगी है चूंकि कई दिनों के बाद आपका और हमारा सामना हो रहा है और आज शुभ दिन भी है शुभ दिन भी है नया साल भी है ना जो हम लोगों का कैलेंडर है उसके अनुसार तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि इस साल में आप लोग काफी मेहनत करें काफी गहराई से मेहनत करें डीपली मेहनत करें और जो आपका लक्ष्य है आप लोग उसके नजदीक पहुंचे और उसको प्राप्त कर लें हमारी यही शुभकामनाएं और आज पवित्र दिन भी है जो हिंदू नवरात्र है वह आज प्रारंभ हो रहा है तो उसकी भी आप लोगों को शुभकामनाएं और हनुमान जी का दिन तो है ही तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब इसके पूर्व ध्यान से समझिएगा क्योंकि जिस तरीके से यह क्लास आप लोगों के बीच में हो रही है इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें एनसीआरटी की भी बातें शामिल हैं तो बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से किसी की भी प्रारंभिक परीक्षा चाहे वो स्टेट की हो स्टेट कमीशन यानी पीसीएस की हो चाहे वो आईएएस की ही क्यों ना हो सत्रह तो 1773 के की रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा आप लोगों ने उसमें जाना कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी वो भारत की राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गई और जब राजनीतिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो गई समझिएगा हमने क्लास शुरू कर दिया है तो भारत में कुछ अनैतिक गतिविधियों में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी व्याप्त हो गए इससे क्या हुआ कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना होने लगी और ब्रिटेन में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना होने लगी तो ब्रिटिश सरकार ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो पहला अधिनियम लाया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है और सत्रह की रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सत्रह ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया था उसका अध्ययन भी हम लोगों ने कर लिया है लेकिन अब आपके सामने क्या है अब आपके सामने सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट है तो सबसे पहली तो बात यही है कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट को लाने की जरूरत क्यों पड़ी ब्रिटिश सरकार को और दूसरी बात यह है कि जब सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया तो इस पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान हैं इसका अध्ययन हम लोगों को करना है ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें क्या क्या प्रावधान हैं इसका भी अध्ययन हम लोगों को करना है तो आप लोग देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट है इसको ब्रिटिश सरकार ने लाया और ब्रिटिश सरकार के प्रसिद्ध संसदीय दल के नेता लॉर्ड पिट्स ने लाया था इसीलिए इनके नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया तो इस पिट्स इंडिया एक्ट की खास खास बातें क्या थी आइए हम लोग इसको देखते हैं कहा जा रहा है कि यह जो पिट्स इंडिया एक्ट है इस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रशासनिक सुधारों पर द्वैध शासन को लागू किया गया समझिए क्या कहा जा रहा है कि इस सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधारों को अंजाम दिया गया और इस प्रशासनिक सुधारों के परिपेक्ष में सर्वप्रथम भारत में द्वैध शासन को कायम किया गया अभी तक आप लोगों ने बंगाल के द्वैध शासन को पढ़ लिया होगा जो रावट क्लाइव ने 1765 सौ ईस्वी में लागू किया था और सत्रह सो बहत्तर ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था तो वो बंगाल में द्वैध शासन था लेकिन ये जो सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट है इसके द्वारा भी भारत में द्वैध शासन को लागू किया गया अब यह जो द्वैध शासन है यह किस प्रकार का द्वैध शासन है और इस द्वैध शासन के द्वारा किस प्रकार की गतिविधियों का भारत में संचालन किया गया इसको भी हम लोग देखेंगे तो यह जो सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा भारत में द्वैध शासन को लाया गया ये दो संस्थाओं के द्वारा भारत में शासन चलाए जाने की परंपरा का विकास हुआ हालांकि भारत में जो द्वैध शासन है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो जनक है वो लायोनल कर्टिस है कौन है लायोनल कर्टिस है इस द्वैध शासन का जनक द्वैध शासन का जनक कौन है लायोनल कर्टिस है इस द्वैध शासन का जनक यही पितामह है इसका अब यह जो द्वैध शासन था यह किस प्रकार का द्वैध शासन था आइए देखते हैं तो दो संस्थाओं का शासन हमने कहा कि द्वैध शासन का मतलब यहाँ पे किस शासन से है तो दो संस्थाओं के शासन से है तो अब आप लोगों को यह है, पूछना चाहिए कि सर वो द्वै वो दो संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो भारत में अब शासन करेंगी तो आइए आपको बताते हैं कि वो द्वै दो, वो दोनों संस्थाएं कौन कौन सी हैं तो अगर दोनों संस्थाओं के बारे में आप लोग देखेंगे तो यह पाएंगे कि एक संस्था तो भारत में पहले ही है भारत में क्या लंदन में पहले से ही है और इस संस्था का नाम है सी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है हिंदी में निदेशक मंडल कहा जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ध्यान से समझिएगा जिससे यह द्वैध शासन है, समझ में आ जाए चूंकि ये कॉन्सेप्ट है आसानी से यह द्वैध शासन समझ में ना आता है ना लोग समझा पाते तो ये जो निदेशक मंडल नामक संस्था है ये पहले ही है और कंपनी के संदर्भ में है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तभी से यह संस्था है निदेशक मंडल नामक संस्था और आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुल सदस्य कितने हैं इसमें चौबीस सदस्य हैं और ऐसा नहीं कि ये सदस्य भारत में बैठ रहे हैं ये भारत में नहीं बैठ रहे हैं। ये लंदन में बैठ रहे हैं तो एक संस्था तो इसको आप मान के चलिएगा और जो दूसरी संस्था है उसको इधर देखिए जो दूसरी संस्था है उसका नाम क्या है उसका नाम है बीओसी और बीओसी का मतलब क्या हुआ बीओसी का मतलब हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो भैया एक संस्था तो आप लोगों ने कंपनी के स्थापना के साथ साथ ही देखा जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका नाम था निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और ये जो दूसरी संस्था आपके सामने आई इसको ध्यान रखिएगा आप लोग ये प्रारंभिक परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये जो दूसरी संस्था बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की आई यह सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ही आई तो सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा एक नवीन प्रकार की संस्था की स्थापना की गई और इसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसीलिए हमने यहां पे लिखा है बीओसी एक ऐसा बोर्ड बनाया गया जो भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण यानी कंट्रोल स्थापित करेगी और यह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसमें कुल छह सदस्य हैं यह भी ध्यान रखिएगा इस बीओसी में कुल कितने सदस्य हैं कुल छह सदस्य हैं ये जो छह सदस्य हैं इनको क्या कहा गया इनको कमिश्नर कहा गया जो छह सदस्य हैं इनको क्या कहा गया कमिश्नर कहा गया इसीलिए कई बार कहा जाता है कि छह कमिश्नरों के एक बोर्ड की स्थापना की गई सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इसीलिए कहा जाता है सत्रह सौ के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा छह कमिश्नरों के एक बोर्ड की स्थापना की गई अब दो संस्थाएं हैं यह तो एक तरीके से कार्यकारी संस्था है ही यह कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित कर रही है यह पहले से ही नियंत्रित कर रही है यह एग्जीक्यूटिव संस्था है लेकिन अब ये जो दूसरी संस्था आ रही है इसका क्या काम है अब ये दोनों संस्थाएं भारत के ऊपर राज करेंगी अब इस संस्था के बारे में आप लोग देखिए यह ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित संस्था है ध्यान से समझिएगा समझ लेंगे आप लोग यह ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित संस्था है और इसकी स्थापना कौन कर रहा है इसकी स्थापना ब्रिटिश मंत्रिमंडल कर रही है ब्रिटिश मंत्रिमंडल इसकी स्थापना कर रही है यानी कुल मिला ब्रिटिश संसद इसकी स्थापना कर रही है आप लोग यहां पे यह भी कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार इसकी स्थापना कर रही है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया प्रत्यक्ष रूप से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार अब अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है प्रत्यक्ष रूप से कैसे नियंत्रण स्थापित करेगी क्योंकि इसका जो मुखिया होगा वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कंपनी के ऊपर ये जो ब्रिटिश सरकार है यह प्रत्यक्ष रूप से अपनी गतिविधियों को स्थापित करेगी नियंत्रण को स्थापित करेगी प्रत्यक्ष रूप से अब ये जो बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक संस्था है इसको क्या अधिकार दिए गए सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक समझिएगा इसको अब भारत में सैनिक अधिकार दिए गए और सैनिक के अलावा इसको असैनिक अधिकार भी दिए गए दोनों प्रकार के अधिकार इसको भारत में दे दिए गए और जो भारत का राजस्व है उस पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया यानी सैनिक मामले असैनिक मामले और राजस्व संबंधी मामले इस द्वैध शासन के अंतर्गत किसको दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया और ये जो निदेशक मंडल के सदस्य हैं निदेशक मंडल के सदस्यों के पास कैसा अधिकार रहा ये है भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते हैं और गवर्नर जनरल के अलावा उनकी परिषद यानी उनकी काउंसिल के सदस्यों की भी नियुक्ति ये करते हैं तो इनको यानी निदेशक मंडल के सदस्यों को यह अधिकार दिया था और पुनः यह अधिकार इनको दे दिया गया लेकिन यह जो गवर्नर जनरल है इसको तो नहीं लेकिन इसके जो परिषद है उसके सदस्यों को नियुक्ति का अधिकार तो इन निदेशक मंडल के सदस्यों को दिया गया लेकिन इनको वापस बुलाने का अधिकार इनको दे दिया गया बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को दे दिया गया तो यहां पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा अभी कुछ दिनों बाद भारत में अठारह की क्रांति होगी और अट्ठारह की क्रांति के समय भी जो ब्रिटिश सरकार है वो कहती है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है ना तो हम उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं ना ही हम उनको वेतन और भत्ता देते हैं और ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे प्रति कोई उत्तरदायित्व तो रखती है यानी अगर भारत में कोई असंगत या अनैतिक काम करती है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी करती है ब्रिटिश सरकार नहीं करती है आप लोग इस बात को समझिएगा ब्रिटिश सरकार करती है कैसे ये देखिए सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सारे अधिकार तो ब्रिटिश सरकार ने लगभग लगभग अपने हाथों में ले लिए देखिए सैनिक अधिकार ले लिया असैनिक अधिकार ले लिया राजस्व संबंधी अधिकार ले लिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित किया गया इसका जो मुखिया है वो आपका नेता ही तो है वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य ही तो है तो कैसे नहीं भाई आपका प्रतिनिधित्व तो है भारत में कैसे नहीं आपका उत्तरदायित्व तो है भारत में हालांकि कंपनी की आड़ में ब्रिटिश सरकार इस बात से हमेशा इनकार करती रही इस बात को आप लोग समझते रहिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस द्वैध शासन को हम लोगों ने देखा द्वैध शासन के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक बात और शामिल है जो गवर्नर जनरल की परिषद थी आप लोगों ने देखा होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया था और उस पद पर सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी किसकी नियुक्ति की गई थी वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई थी अब जो वारेन हेस्टिंग्स है उसकी सहायता के लिए एक परिषद भी बनाई गई थी और इसे किसके नाम से जाना गया था इस परिषद को इसको वायस राय की परिषद के नाम से जाना गया था और इस परिषद में उस समय सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट में कुल कितने सदस्य थे कुल चार सदस्य थे कुल कितने सदस्य थे कुल चार सदस्य थे इनकी संख्या चार थी हमने आपको चार सदस्यों का नाम बताया भी था फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बारबेल और बताया भी था एक तरीके से रटाया भी था आप लोगों को फिर से आप लोग तैयार कर सकते हैं फ्रांसिस क्लेवरिंग मानसन बारबेल लेकिन ये सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा चार सदस्य थे अब जब सत्रह का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा ये जो वायस ये वायस राय तो अभी नहीं कह सकते हो अभी गवर्नर जनरल कह सकते हो क्योंकि तो वायस राय का पद तो अठारह के अधिनियम द्वारा ही भारत में आया था तो जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसके सदस्यों की संख्या चार थी अब सदस्यों की संख्या चार से घटा के कितनी कर दी गई तीन कर दी गई इसको आप लोग ध्यान रखिएगा सदस्य संख्या कितनी कर दी गई तीन कर दी गई चार से घटा के तीन कर दी गई तो पहली बात तो आप लोगों ने क्या देखा द्वैध शासन वो किस प्रकार का द्वैध शासन था उसको देखा दूसरी सत्रह सो चौरासी के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा वायस राय की गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटा के तीन कर दी गई एक और बात यहां पे है सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट में अंग्रेज अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भारत में अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे अगर वो किसी अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे या भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों में लिप्त थे तो भारत में उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता था यानी जो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था वह कंपनी के इन अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाता था सर्वोच्च न्यायालय से कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बाहर थे तो इस मामले के निराकरण के लिए सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी अगर किसी असंगत गतिविधि में लिप्त हैं, तो उनको इंग्लैंड बुलाया जाएगा और इंग्लैंड में उनके ऊपर केस चलाया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा तो ये कुछ बातें रही आपके सामने सत्रह के पिट्स इंडिया एक्ट से संबंधित की बात आप लोगों ने देखी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की बात देखी और इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की बात को देखा इसके बाद में हम लोग पहुंचते हैं सत्रह छियासी के चार्टर एक्ट पे और सत्रह के चार्टर एक्ट पे ये दो दोनों जो चार्टर एक्ट हैं ये बहुत छोटे छोटे चार्टर एक्ट हैं इसमें कुछ खास बातें नहीं है लेकिन जब सत्रह का चार्टर एक्ट आया तो उसके पूर्व विश्व इतिहास में एक नवीन घटना घटी और वह नवीन घटना एक क्रांति के परिपेक्ष में थी और आप लोगों ने देखा होगा विश्व इतिहास का अध्ययन किया होगा कि 1776 सौ ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसी को अमेरिकी क्रांति के नाम से भी जाना गया अगर हम लोग अमेरिका की बात करें यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की बात करें तो जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है अमेरिका में पहले कुल तेरह राज्य थे पहले कुल कितने राज्य थे तेरह राज्य थे लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं वर्तमान में अमेरिका में पचास राज्य हैं ध्यान रखिएगा जबकि भारत में कम है भारत में इसमें कितने राज्य हैं कौन बताएगा भारत में इस समय कितने राज्य हैं बताइए आप लोग भारत में इस समय कितने राज्य हैं बताइए वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं सत्ताईस नहीं बाबू अट्ठाईस कितने अट्ठाईस राज्य अट्ठाईस राज्य सभी लोग एक तरफ से बता रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और आप लोगों को तो हमारी याद ही नहीं आई क्यों हम्म कहा चले गए थे आप लोग दिखाई नहीं दिए हम्म सभी लोग लाइक भी करते रहो शेयर भी कर लो क्लास को आप लोग एक बार धीरे धीरे बच्चे जुड़ जाएंगे अच्छा मिस कर रहे थे लेकिन बताया नहीं आप लोगों ने क्यों कैसे मिस कर रहे थे कि बताया ही नहीं कोई बात नहीं अब आप लोगों के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं निरंतर हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों के बीच में रहेंगे ठीक है निरंतर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये जो अमेरिका था अमेरिका की क्रांति के बारे में एक मिनट हम लोग समझेंगे थोड़ा सा क्योंकि इस क्रांति का प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ा और भारत में जो तमाम सारे संवैधानिक सुधार हो रहे हैं उसके ऊपर भी पड़ा कैसे यहां तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाते लेकिन आप लोग समझेंगे प्रारंभ में ये जो अमेरिका है इस अमेरिका में कुल तेरह राज्य थे लेकिन वर्तमान में अमेरिका में कितने राज्य हैं पचास राज्य हैं और भारत में आप लोगों ने बताया सही बताया अट्ठाईस राज्य क्योंकि तो जम्मू कश्मीर को तोड़ के एक तरीके से जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र और लद्दाख का निर्माण किया गया था तो अट्ठाइस राज्य हो गए अब ये जो अमेरिका है अमेरिका इसका नाम मैं लिख रहा हूं अमेरिका तो अमेरिका का नाम कैसे अमेरिका पड़ा कोई बता सकता है अमेरिका का नाम कैसे अमेरिका पड़ा जैसे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा तमाम सारी कहानियां हैं तमाम सारी क्यूदियां हैं कुछ ठोस और आधारभूत बातें भी हैं उसको आप लोगों ने देखा है लेकिन बात आती है इस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली देश की जिसका नाम अमेरिका है तो अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा कोई बता सकता है तो अमेरिका के परिपेक्ष में आप लोग देखेंगे तो जो अमेरिका है एक इटली का नागरिक था ध्यान से समझिएगा और इसका नाम था अमेरिगो इसका नाम था अमेरिगो अमेरिगो बेसपुची अमेरिगो बेसपूची ये कहां का नागरिक था यह इटालियन था यह इटली का नागरिक था और कहा जाता है कि मुख्यतया इसी ने वास्तविक रूप से अमेरिका की खोज की थी इटली का नागरिक था वास्तविक रूप से मैं बात कर रहा हूं और ये जो अमेरिको पुची है इसी के नाम पर कालांतर में अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ गया था इसी के नाम पे पड़ा था अमेरिका का अमेरिका नाम अमेरिको पुची के नाम पर ये कहां का नागरिक था तो ये इटली का नागरिक था इसको आप लोग याद रखिएगा अब यहां पे ध्यान रखिएगा अमेरिका में ये जो तेरह स्टेट हैं यानी अमेरिका में जो तेरह राज्य थे भाई चाहे वो न्यूयॉर्क हो न्यू जर्सी हो पेंसिल्वेनिया हो ये सब राज्य हैं, जो बड़े बड़े राज्य थे अब इन राज्यों में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ के जो मूल निवासी थे अमेरिका के उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था इनको किसके नाम से जाना जाता था रेड इंडियन के नाम से जाना जाता था और अमेरिका में करीब करीब इनकी जो मूल संख्या थी वो 10 से 15 प्रतिशत की संख्या थी इसके अलावा सब इस अमेरिका में विदेशी लोग ही निवास करते थे और मुख्यतः यूरोप के लोग निवास करते थे और यूरोप में सबसे ज्यादा लोग इस अमेरिका में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के थे और जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इस इंग्ल... इस अमेरिका में भी व्यापार करने गई थी वहां पे भी इसने अपना उपनिवेश स्थापित किया था इस अमेरिका में भी जिस तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना राज कर रही है उसी तरीके से यह अमेरिका में भी राज कर रही है लेकिन अमेरिका में भारत की तरह गरीबी नहीं थी उस समय भी जितना अत्याचार ब्रिटिश सरकार ने भारत में किया उतना ब्रिटिश कंपनी ने उस समय अत्याचार अमेरिका में नहीं किया फिर भी अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन के लोगों के खिलाफ एक स्वतंत्रता संग्राम किया या एक क्रांति की तो वो क्रांति मुख्यतः औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध थी वो लोग ये मानते थे कि हमारे ऊपर कोई विदेशी शासन नहीं कर सकता क्योंकि तो हम लोग बौद्धिक लोग हैं तो यह है जो स्वतंत्रता संग्राम था अमेरिका का उसमें अगर आप लोग देखोगे तो एक ब्रिटिश सेनापति है उस ब्रिटिश सेनापति का नाम है लॉर्ड कार्नवालिस नाम सुना होगा लार्ड कार्नवालिस ये है कार्नवालिस भारत में कई प्रकार से प्रसिद्ध है राजनीतिक सुधारों के परिपेक्ष में इसका अपना स्थान है प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के परिपेक्ष में इसका स्थान है ये कोई सामान्य नागरिक नहीं है ये ब्रिटेन का नागरिक है और एक सेनापति भी है कमांडर इन चीफ भी है भले ही अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों ने ब्रिटेन को पराजित कर दिया और ब्रिटेन के लोग वहां से भाग गए लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में इस कार्नवालिस ने जो प्रतिनिधित्व किया जो अपना योगदान दिया वो विश्व के पटल पर एक तरफ से सराहा गया इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी इस गतिविधि को देखते हुए इसको भारत में क्या बना दिया भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया अब जब ये लॉर्ड कार्नवालिस भारत आया ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जब ये लॉर्ड कार्नवालिस भारत आया तो कार्नवालिस भारत में ये क्या है ये बंगाल का इस समय गवर्नर जनरल है यानी बंगाल का यह जीजी है बंगाल का क्या है यह गवर्नर जनरल है तो गवर्नर जनरल ही बंगाल का एक तरीके से मुखिया है लेकिन इसने भारत में एक स्थिति को बड़ी गंभीरता और गहराई से देखा तो गहराई से देखा तो यहां पे आप लोग समझिएगा एक पद और था भारत में और यह पद था सी इन सी इन सी का सी इन सी का मतलब क्या है सी इन सी का मतलब है कमांडर इन चीफ क्या मतलब है भैया कमांडर इन चीफ इसका मुख्य मतलब है कमांडर इन चीफ का मतलब क्या होता है हिंदी में मुख्य सेनापति होता है तो इस समय बंगाल में जो एक तरीके से गवर्नर जनरल था उसको इस कमांडर इन चीफ का पद नहीं मिला हुआ था तो लॉर्ड कार्नवालिस जो था उसने देखा कि अगर मैं कोई आदेश देता हूं या किसी राजा से कोई समझौता करता हूं या राजा कोई बात मेरी भारत में नहीं मानता है तो मैं उसके ऊपर आक्रमण करना चाहता हूं लेकिन इस आक्रमण को या इस समझौते को या किसी भी सैनिक गतिविधि को तुरंत अंजाम नहीं दिया जाता है क्यों नहीं दिया जाता है क्योंकि इस कमांडर इन चीफ के पद पर कोई दूसरा ब्रिटिश व्यक्ति नियुक्त तो है यह कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं बन पाता था तो इस असंगत गतिविधि को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने केवल और केवल इस लॉर्ड कार्नवालिस के लिए वर्ष सत्रह में एक चार्टर एक्ट लाया ध्यान दीजिएगा केवल इसके लिए ब्रिटिश सरकार ला रही है क्यों क्योंकि आप लोग देखेंगे कि यह ऐसा सेनापति है ऐसा कमांडर इन चीफ है जिसकी कार्यवाही को पूरे विश्व ने सराहा है जैसे आप लोग कभी आईएस बनेंगे और आईएस बनने के बाद भारत में कोई ऐसी समस्या होगी जिसका हल आप खोज लेंगे या कोई विपरीत परिस्थिति आपके सामने आएगी तो उससे आप लोग निपट लेंगे तो निपट लेंगे तो भारत सरकार ही नहीं विश्व के पटल पर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और प्रशंसा जब करेंगे तो कई तरीके से आगे चल के आप लाभान्वित होंगे आपका गौरव और कद दोनों बढ़ेगा तो उसी तरीके से ये कार्नवालिस अब सत्रह का चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार ने लाया और केवल इसी कार्नवालिस के लिए लाया था कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल तो है ही अब इसे क्या किया गया इसे भारत का कमांडर इन चीफ भी बना दिया गया यानी ईस्ट इंडिया का कमांडर इन चीफ या सी इन सी या मुख्य सेनापति का पद भी इसी कार्नवालिस को दे दिया गया ये सत्रह के चार्टर एक्ट की, की मुख्य बात है इसके अलावा आगे आप लोग देखेंगे तो सत्रह सो तिरानबे ईस्वी में भी एक चार्टर एक्ट आया सत्रह सो तिरानबे ईस्वी में भी चार्टर एक्ट आया अब ये लॉर्ड कार्नवालिस इसके पूर्व रिटायर हो चुका था लेकिन लॉर्ड कार्नवालिस के बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो इससे और एक बाहुबली इससे बड़ा एक बाहुबली सेनापति आया और इसका नाम क्या था इसका नाम था बेले जली और बेले जली की सहायक संधि को आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा सतारा जैतपुर संभलपुर को किस तरीके से इसने मिला लिया और आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा कि यह सत्रह यानी 18वीं शताब्दी के खात्मे का वह समय है ध्यान दीजिएगा इस समय विश्व के पटल पर एक प्रसिद्ध व्यक्ति बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है और इसका नाम है नेपोलियन क्या नाम है नेपोलियन ध्यान दीजिएगा ये बातें आपको जानने को किस तरीके से नहीं मिलती अगर ये सारी बातें मुख्य परीक्षा में ऐसे आप जोड़ के लिख देंगे अमेरिकी क्रांति और नेपोलियन की बात या इतना ही लिख दिया अठारह सो शताब्दी के अंत में विश्व के पटल पर एक बड़े नेता का जन्म हुआ और इसका नाम था नेपोलियन ये जो नेपोलियन था नेपोलियन के बारे में एक दो बातें आपको बता देता हूं यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेपोलियन के बारे में ये जो नेपोलियन है ये नेपोलियन कहाँ का नागरिक था ये नेपोलियन कोर्सिका का नागरिक था कोर्सिका का नागरिक था और ये कोर्सिका कोई देश नहीं है कोर्सिका क्या है कोर्सिका एक द्वीप है लेकिन बात आती है कि ये कोर्सिका नामक द्वीप कहाँ का द्वीप है यहाँ पे मैं विकल्प दे रहा हूं आप लोग बताइए कोर्सिका नामक द्वीप इंग्लैंड का द्वीप है ये कहाँ का द्वीप है इंग्लैंड का द्वीप है क्या उसके बाद में यह जो कोर्सिका नामक द्वीप है यह इटली का द्वीप है क्या बताइएगा आप लोग यह फ्रांस का द्वीप है क्या यह स्कॉटलैंड का द्वीप है क्या बताइए जल्दी से कहाँ का यह द्वीप है सभी लोग उत्तर देंगे कोई बचना नहीं चाहिए यह कहा का द्वीप है कोर्सिका द्वीप जो तो का द्वीप है यह कहां का द्वीप है बताइए आप लोग सभी लोग बताइए ये कहां का द्वीप है कोर्सिका का द्वीप जहां पे नेपोलियन का जन्म हुआ ये कोर्सिका का द्वीप कहां का द्वीप है बताइए कहां का द्वीप है किस देश का द्वीप है ये कोर्सिका द्वीप इंग्लैंड इटली फ्रांस स्कॉटलैंड कहां का द्वीप है देखिए और बताइए जरा अच्छा दो उत्तर आ रहे हैं एक इटली है और एक फ्रांस है एक इटली आप लोगों का उत्तर है एक फ्रांस उत्तर है। तो जिन्होंने इटली बताया वो सही है यानी इसी कोर्सिका द्वीप का निवासी था यह नेपोलियन तो बात आती है यह नेपोलियन तो फ्रांस का शासक था कैसे माना जाए भाई फिर तो ये इटली का जो द्वीप है कोर्सिका इस कोर्सिका को इटली ने बेच दिया था किसको इस फ्रांस को तो इस इटली का निवासी था नेपोलियन तो फ्रांस ने जब खरीद लिया तो फ्रांस का अब नागरिक बन गया कौन यह नेपोलियन इससे हम लोग एक बात सीख सकते हैं नेपोलियन से कि बचपन से ही इसने सेना में जाने के लिए सोचा था और इस परिपेक्ष में इसकी इच्छा शक्ति इतनी बलवती थी ये नदियों के किनारे बैठ के जो बालू की रेत होती थी उससे हथियार बनाता रहता था जब छह सात साल की उम्र थी इसकी तब इसी परिपेक्ष में जब कोर्सिका फ्रांस में शामिल हो गया तो जो पेरिस अकादमी थी सैनिक अकादमी उसमें बारह साल की उम्र में ही इसका चयन हो गया और पंद्रह साल की उम्र में ये सेना में शामिल हो गया था कैप्टन के रूप में तो इस समय पूरे यूरोप में ये जो नेपोलियन है ये जो नेपोलियन है इसकी शक्ति चारों तरफ एक तरीके से फैली हुई है सब लोग इससे डरने लगे हैं पूरे यूरोप के लोग और ऐसे में भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है इस समय जो भारत में बेलेजली है उसको यह डर सता रहा है कि ये जो नेपोलियन है यह नेपोलियन हो सकता है भारत के ऊपर भी आक्रमण करके भारत को भी जीत ना ले तो इसीलिए बेलेजली ने क्या किया बेलेजली ने भारत में सहायक संधि की नीति को लागू किया और सहायक संधि की नीति के तहत जो भारत की तमाम सारी रियासतें हैं उनके राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया इसीलिए किया था इसने तो यहां पे इस बात को हम लोगों ने देखा और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा तो का जो चार्टर एक्ट आया सत्रह के चार्टर एक्ट द्वारा जो अधिकार सत्रह के चार्टर एक्ट द्वारा कार्नवालिस को दिए गए थे वही भारत में आने वाले अन्य गवर्नर जनरलों को भी दे दिए गए इसके बाद में हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट का अध्ययन करेंगे ये जो चार्टर एक्ट है ये काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से 1813 के चार्टर एक्ट के पूर्व अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधि है इसकी गतिविधि की बहुत ज्यादा भारत में और इंग्लैंड में भी आलोचना होने लगी भारत के बुद्धिजीवी भी इसकी असंगत गतिविधियों की आलोचना करने लगे और ब्रिटेन में भी कुछ बुद्धिजीवी थे वो भी भारत के परिपेक्ष में सही मांगों को उठाते थे तो उन्होंने इंग्लैंड में इंग्लैंड के लोगों के बीच में भारत में स्थित ईस्ट इस्थ इंडिया कंपनी की गतिविधियों की आलोचना की ध्यान दीजिएगा इंग्लैंड के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने तो यह तक भी कह दिया था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर देना चाहिए उसकी गतिविधि को समाप्त कर देना चाहिए और ऐसा कहने वाला अगर आप लोग देखेंगे तो इस समय जो प्रथित दा, प्रसिद्ध दार्शनिक है और प्रसिद्ध विचारक है उसका नाम है जर्मी बेंथम उसका नाम क्या है उसका नाम है जर्मी बेंथम ये जो जर्मी बेंथम है ये इंग्लैंड का नागरिक है और इसका जन्म लंदन में हुआ था और लंदन में यह प्रसिद्ध घराने में इसका जन्म हुआ था इसने विधि की शिक्षा प्राप्त की देखिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये बहुत बड़ा वकील एडवोकेट बन गया था जर्मी बेंथम और इसने पूरे विश्व को एक विचारधारा दी थी और वो है उपयोगितावाद की विचारधारा उपयोगिता की विचारधारा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपयोगितावाद की विचारधारा का जनक कौन है पितामा कौन है तो उपयोगितावाद की विचारधारा के अंतर्गत जनक कौन है पितामा कौन है यही जर्मी बेंथम है यह इंग्लैंड का नागरिक है लंदन का निवासी है अपनी इस विचारधारा के अंतर्गत इसने मानव के लिए हमेशा उपयोगी बातें की अपनी इस विचारधारा के अंतर्गत इसने हमेशा मानव के कल्याण की बात की मानों को आगे बढ़ाने की, की। मानव के ऊपर जो सरकारें अत्याचार करती हैं उसकी बड़ी गंभीरता से इसने आलोचना की यह जब एडवोकेट यानी वकील बना तो इसने यह देखा कि जो ब्रिटेन है ब्रिटेन में ही कई प्रकार की अव्यवस्थाएं व्याप्त हैं और ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं न्याय के क्षेत्र में ये व्यवस्थाएं कानून के क्षेत्र में हैं ये व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं संसद के क्षेत्र में हैं और इन्हीं अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए इस जर्मी बंथम ने निरंतर प्रयास किया ध्यान से समझिएगा इन्हीं अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए और खास करके एक बात आपको बता दूं कि अगर इस संसद के अंदर में जो अव्यवस्थाएं हैं अगर इसको दूर कर लिया जाए तो इसी के अंदर में ही तो ये व्यवस्थाएं हैं इसका निर्माण कौन करता है विधि का कानून का निर्माण कौन करता है यही संसद ही तो करती है यानी कि सबसे जो बड़ी खामी थी वह इस ब्रिटेन की संसद में थी इसमें कई भ्रष्टाचारी लोग बैठे हुए थे वो कोई अच्छा काम करने ही नहीं देते थे तो इस जर्मी बेंथम ने कहा कि इस संसद में सुधार करना चाहिए संसद में सुधार करना चाहिए और संसद में सुधार लाने के लिए 18वीं शताब्दी में इसने बहुत बड़ा आंदोलन किया इंग्लैंड में लेकिन इंग्लैंड हिला नहीं इस जर्मी बेंथम के सामने लेकिन जब 19वीं शताब्दी का प्रारंभिक समय शुरू हुआ और 1832 का समय आया तो 1832 ये जून 1832 में जून 1832 में इस जर्मी बेंथम की क्या हो गई इस जर्मी बेंथम की मृत्यु हो गई 19वीं शताब्दी के मध्य के पूर्व 1832 का समय है इस जर्मी बेंथम की मृत्यु हो गई अब जर्मी बेंथम की मृत्यु हो गई तो एक तरीके से ब्रिटेन में हाहाकार मच गया क्योंकि ये तो भैया प्रसिद्ध सुधारक था अब ये जो तो जर्मी बेंथम है इस जर्मी बेंथम के दो शिष्य हैं। इन शिष्यों में अगर आप लोग देखेंगे तो जी एस मिल है जे एस मिल जे एस मिल, जी एस मिल। यानी मिल और एक जो दूसरा शिष्य है उसका नाम है जेम्स मिल दोनों नामों में अंतर है एक का नाम है जॉन अस्टुअर्ट मिल और एक का नाम है जेम्स मिल दोनों नाम हमने लिख दिए अब इस जर्मी बेंथम के इन दोनों शिष्यों ने क्या किया कि जिस आंदोलन को ये चला रहा था इस आंदोलन को इन दोनों शिष्यों ने और तीव्र कर दिया यानी उपयोगितावादी विचारधारा या बेंथमवादी विचारधारा बेंथम अब इन दोनों शिष्यों के हाथ में आ गई और ये जो इनके शिष्य थे इस जर्मी बेंथम से ये और उग्र थे ध्यान से समझिएगा अब ऐसे में जैसे ही इस जर्मी बेंथम की मृत्यु हुई इन दोनों के उग्र प्रदर्शन के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1832 में ही क्या किया 1832 में ही इस संसद के अंदर में तमाम सारे सुधार लाया तो कालांतर में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में भी इस 1832 के तुरंत बाद 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लाया हालांकि उससे पूर्व 1813 का चार्टर एक्ट ला चुकी थी ब्रिटिश सरकार तो चाहे 1813 का चार्टर एक्ट हो चाहे 1833 का चार्टर एक्ट हो दोनों पर ये जो बैंथमवादी दार्शनिक हैं, या उपयोगितावादी दार्शनिक हैं, इनका प्रभाव वास्तव में दिखाई पड़ता है और खास करके 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ ज्यादा ही प्रभाव दिखाई पड़ता है एक नाम आपको भारत में बता रहा हूं मैं कि आधुनिक भारत में धार्मिक आंदोलन के परिप्रेक्ष में एक बड़े नेतृत्वकर्ता का नाम आप लोग सुनते होंगे और उसका नाम क्या है उसका नाम है राम मोहन राय उसका नाम क्या है उसका नाम है राम मोहन राय थोड़ा पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ रहे हैं और राम मोहन राय के पूर्व हमने राजा नहीं लिखा तो ये जो राम मोहन राय है इसके नाम के आगे राजा कब कब लगा कोई बता सकता है राम मोहन राय के नाम के आगे राजा कब लगा या राजा की उपाधि राम मोहन राय को किसने दी तो ये जो राजा की उपाधि है इसको यानी राम मोहन राय को वर्ष अठारह सो उन्तीस ईस्वी में मिली और इस समय का जो भारत का सम्राट है इसका नाम है अकबर द्वितीय अकबर द्वितीय इसी अकबर द्वितीय ने इन राम मोहन राय को राजा की उपाधि अट्ठारह में दी और अट्ठारह ईस्वी में इनको राजा की उपाधि देकर इनका कद एक तरीके से बढ़ाया और इन राम मोहन राय साहब को अपना राजदूत बनाया अपना एम्बेसडर बनाया और भारत के परिपेक्ष में पैरवी करने के लिए भारत के परिपेक्ष में पैरवी करने के लिए इसी समय इनको इंग्लैंड भेज दिया अब बात आती है कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ही क्यों भेजा क्योंकि ये जो राजा राम मोहन राय साहब थे ये कोई सामान्य नहीं थे ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पितामा थे धार्मिक आंदोलन के अब ये क्या करते थे यहाँ पे एक शब्द हमने लिखा ये पत्रा पत्राचार आप लोग समझिएगा पत्राचार तो ये पत्राचार करते थे और पत्राचार किससे करते थे इस जर्मी बेंथम से सीधे पत्राचार करते थे जर्मी बेंथम से ये सीधे पत्राचार करते थे इनकी बातों को बहुत ज्यादा जर्मी बेंथम मानता था जे एस मिल से भी करते थे और जेम्स मिल से भी पत्राचार करते थे इसी परिप्रेक्ष्य में जब देखा कि भाई लंदन में इनके जानने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वहां जाएंगे तो ये भी बुद्धजीवी हैं तो इंग्लैंड शायद इनकी बातों को समझे और भारत को कुछ छूट प्रदान करे ऐसा हुआ भी लेकिन ये भारत के मामलों की पैरवी इंग्लैंड में कर रहे थे इंग्लैंड की सरकार के सामने लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय साहब हैं राजा राम मोहन राय साहब की अठारह सो तैतीस ईस्वी में यही इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी आज भी इंग्लैंड के एक शहर जिसका नाम ब्रिस्टल है इसी में इनकी सिमेट्री आज भी स्थित है आज भी है इनकी समाधि इसी इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में तो राजा राममोहन राय की आज भी जो समाधि है वो इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में है ध्यान में रखिएगा और कालांतर में आप लोगों ने देखा कि जब अट्ठारह में 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इस पर उपयोगितावादी दार्शनिकों का तो प्रभाव है भी राजा राम मोहन राय साहब का भी प्रभाव है क्योंकि तो इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो तमाम सारी असंगत गतिविधियां थी जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का काम किया गया तो यहाँ पे भूमिका को हम लोगों ने अच्छे से समझा अब लौटते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कुछ बातों का अध्ययन करते हैं फिर 1833 के चार्टर एक्ट पे आते हैं तो आइए पहुंचिए आप लोग 1813 का चार्टर एक्ट तो यहां पे आप लोगों ने एक बात को ध्यान से समझा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो असंगत गतिविधि है उसकी आलोचना चारों तरफ होने लगी थी कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए लेकिन लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त नहीं किया गया क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त नहीं किया क्यों भाई जरा सोचो आप लोग थोड़ा सा चिंतन करो इसके बारे में कि जब आलोचना हो रही है तब तो ब्रिटिश सरकार को चाहिए कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दे लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया क्यों क्यों नहीं किया क्योंकि तो भाई ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटेन में भी तो क्या है संसद है ना और जैसे वर्तमान में भारत की तम, तमाम सारी प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे गायन वादन नर्तन की दुनिया के लोग यहां पे बैठे हुए हैं तमाम सारी जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनके लोग यहां पे बैठे हुए हैं अब जब भारत में उनकी आलोचना होगी तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के लोग जो इस संसद में लंदन में बैठे हुए हैं वो ब्रिटिश सरकार के मंत्रियों से मिलेंगे और भारतीय मामलों के मंत्रियों से मिलेंगे और मिलने के बाद क्या होगा बातचीत होगी एक भोज होगा और एक अच्छा खासा उपहार दिया जाएगा और जब उपहार इस समय ब्रिटिश सरकार को मिल जाएगा इन व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा तो ब्रिटिश सरकार क्या अब भी ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना करेगी नहीं आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार कहीं की भी हो सबसे बड़ी बनिया होती उसे किससे कब पैसा वसूलना है उसको पता है और ये बातें आप लोग सरकार को बताते हैं कोई और नहीं बताता आप लोग बताते हैं यानी आई लोग बताते हैं कस्टम एक्साइज के लोग बताते हैं इनकम टैक्स के लोग बताते हैं और कोई थोड़ा ना बताता है भाई मंत्रियों को क्या पता पैसा कहां से आएगा तो आप लोग ही बताते हैं तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को गिफ्ट यानी उपहार दे दिया तो कुछ दिन के लिए जो तमाम सारे लोग आलोचना कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर उस पर अब ब्रिटिश सरकार शांत हो जाएगी कहेगी ठीक है भाई व्यापार कर रही है और कुछ तो नहीं है व्यापार करने दो तो जो ये आलोचना की जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की अब थोड़े दिनों के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये उपहार देगी तो लिखित रूप में भी कुछ प्राप्त करेगी कह भाई हमें लिखित कुछ अधिकार दो तो ब्रिटिश सरकार ने कहा जाओ भाई इस 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा आप भारत में 20 वर्ष तक और व्यापार कर सकते हो कहा कि 20 वर्ष तक और व्यापार कीजिए कोई दिक्कत नहीं है यानी 20 वर्ष अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में और व्यापार कर सकती है लेकिन किस तरीके से व्यापार करेगी अब भारत में ये देखिएगा यहां पे व्यापार करने के लिए तो कहा कि बीस तरीके से बीस साल के लिए आप व्यापार करो लेकिन व्यापार की व्यापार को अब सीमांकित भी किया गया थोड़ा सा कैसे बीस वर्ष का व्यापारिक अधिकार तो दे दिया गया लेकिन यहां पे एक शब्द में लिख रहा हूं इसको आप लोग ध्यान रखिएगा व्यापारिक एकाधिकार अब भारत में 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना था एकाधिकार की बात कर रहा हूं अधिकार की नहीं ध्यान रखिएगा आप लोग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था किसके ऊपर व्यापार के ऊपर अब उसको ब्रिटिश सरकार ने इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया यानी अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी कुछ कंपनियां और भारत में व्यापार करेंगी लेकिन व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त तो किया लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी व्यापारिक एकाधिकार बना रहा अब वो दो क्षेत्र है एक तो व्यापारिक अधिकार अभी चीन के साथ बना रहा और एक चाय के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार बना रहा समझिएगा ध्यान से एक कॉन्सेप्ट है इसको समझ लीजिएगा समझिएगा कि 1813 का चार्टर एक्ट समझ में आ गया और इसमें कुछ भी खास नहीं है इसका मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से होकर चीन के साथ जो व्यापार कर रही है अभी भी चीन के साथ व्यापारिक अधिकार व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है और जो चाय का व्यापार है इस चाय का व्यापार भी अभी केवल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और कोई इंग्लैंड की भारत में स्थित कंपनी इस चाय के व्यापार को नहीं करेगी अभी भी भारत में चीन के साथ और चाय का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा आप लोगों ने देखा होगा ये जो भारत में चाय की खेती होती है ये वर्तमान में असम में चाय की खेती सबसे ज्यादा होती है और बंगाल में भी होती है असम में तमाम सारी पहाड़ियों पर इसकी खेती होती है बंगाल में भी होती है जिसे बंगाल का दार्जिलिंग दार्जिलिंग जिला बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो नीलगिरी की पहाड़ी यहाँ पे स्थित है इस, इस नीलगिरी की पहाड़ियों पर भी चाय की खेती खूब होती है और तमाम सारे गवर्नर जनरलों ने इस नीलगिरी की पहाड़ियों पर चाय की खेती को बढ़ावा भी दिया था इस असम में भी चाय की खेती को बढ़ावा दिया था इस बंगाल में भी चाय की खेती को बढ़ावा दिया था और एक बात आपको बता दूं कि विश्व में जैसे सर्वोत्कृष्ट दृष्टिकोण का सर्वोत्कृष्ट प्रजाति का चावल भारत में ही होता है भारत से अच्छा चावल कहीं नहीं होता है उसी तरीके से सबसे उत्कृष्ट चाय भी भारत में होती है आप लोगों के समय में एक चाय आती थी क्या जिसका नाम था लिप्टन टाइगर लिप्टन टाइगर इसका नाम सुना था आप लोगों ने लिप्टन टाइगर इसके ऊपर टाइगर बना होता था अब नहीं आती है चाय अब ये चाय नहीं आती लेकिन चाय का ये रूप आज भी आता है नहीं जिसकी उम्र करीब करीब बीस वर्ष से ऊपर होगी वो तो छोटी सी पुड़िया आती थी जैसे पार्ले बिस्किट उसी टाइप की होती थी और बहुत प्रसिद्ध चाय थी लोग जाते थे बस इसी को खरीदते थे और इसी के फॉर्मेट में अब तमाम सारी चाय आती है इस चाय की खास बात क्या होती है ये पत्ती के रूप में होती है ये छोटी छोटी दाने के रूप में नहीं होती ये पत्ती के रूप में होती है और इसको इस चाय के द्वारा जो चाय आप लोग बनाएंगे और उसको ग्रहण करेंगे वास्तव में उसका टेस्ट उस दानेदार चाय से अलग होगा एक बात और आपको बता रहा हूं कि ये जो भारत की इस समय की चाय है ये पूरे विश्व की बाजारों में प्रसिद्ध है यहीं से चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना को करती थी और भारत में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया अफीम ले जाकर चीन में बेचती थी बहुत ज्यादा फायदा होता था और यहीं का चाय ये यहीं का चाय ये उठा के ले जाते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इस ब्रिटेन में ले जाते थे और ब्रिटेन में ले जाने के बाद में यह जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उसमें खास करके उत्तरी अमेरिका में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वर्तमान का वहां पे चाय आप लोग ही इन उत्तरी अमेरिका को देते थे लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें बाहक का काम करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चाय उठाई ये ले गई लंदन और लंदन के बाद में यहाँ के बंदरगाहों से जो जलपोत होते थे वो ले जाते थे और अमेरिका में इस चाय को बेचते थे क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज यहां पे भी था आप लोगों ने देखा होगा अमेरिकी क्रांति में एक घटना आती है बोस्टन टी पार्टी बोस्टन एक राज्य है सुना है आप लोगों ने बोस्टन टी पार्टी तो टी पार्टी का मतलब टी पार्टी नहीं होती फिर क्या है भैया वहां पे अमेरिकी क्रांति के समय में एक घटना आती है जिसका नाम है बोस्टन टी पार्टी तो बोस्टन एक राज्य भी है और औद्योगिक राज्य है वर्तमान में अमेरिका में यहां अमेरिका में और बोस्टन में बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह है उसका नाम भी बोस्टन ही है तो कहते हैं कि ये भारत से जो चाय ईस्ट इंडिया कंपनी यहां इंग्लैंड ले गई और इंग्लैंड से यहां ये बेच रही है और बेचने के लिए करीब करीब पंद्रह बीस जल पोत जब अमेरिका में स्थित इस बोस्टन नामक बंदरगाह पे इन जलपोतों ने लंगर डाला तो अमेरिकी क्रांति के आसपास में अमेरिकियों ने क्या किया अमेरिकी क्रांतिकारियों ने क्या किया अचानक इस बोस्टन नामक बंदरगाह पे धावा बोल दिया और जो भी इंग्लैंड जहाज थे या जलपोत थे जिन पर चाय लदी हुई थी उनके ऊपर आक्रमण करके उनको क्या किया उनको उसी समुद्र में फेंक दिया इसी को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता था सभी समुद्री क्षेत्र में फेंक दिया गया यही है बोस्टन टी पार्टी अमेरिकी क्रांति जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे बोस्टन टी पार्टी की घटना इनके नेताओं का नाम भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये चाय का मामला इतना बड़ा है और इस पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार मिला हुआ है तो आप लोग ये समझिए कि अभी भी मुख्य मामलों पे व्यापारिक अधिकार केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का है तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को तो समाप्त किया गया लेकिन चाय के व्यापार पर और चीन के व्यापार पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा और कुछ खास बातें हैं 1813 के चार्टर एक्ट में इसका पीडीएफ है ऐसे ही पढ़िए पीडीएफ भी देख लीजिएगा आप लोग तो 1813 के चार्टर एक्ट में एक खास बात यह है कि इस एक्ट के द्वारा एक प्रावधान किया गया और इस इसमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर यह प्रावधान किया गया किसके ऊपर प्रावधान किया गया भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रावधान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्चा करने के लिए सर्वप्रथम एक लाख रुपए के बजट की व्यवस्था की, की गई ध्यान दीजिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा है इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम भारत में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्चा करने के लिए एक लाख रुपए के बजट का निर्माण किया गया यह 1813 का चार्टर एक्ट ही है हो गया ये क्या है ये 1813 का चार्टर एक्ट ही है एक लाख रुपए की बजट की व्यवस्था की गई भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर खर्चा करने के लिए ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है कितने सालों में पहली बार हुआ है? ये 1813 का समय है 1608 सो आठ ईस्वी में सूरत में अपना कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर चुकी है तो 1600 सो सत्रह करीब 200 सालों बाद ऐसा हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के ऊपर खर्चा करने के लिए एक लाख रुपए का बजट बनाया एक लाख रुपए कोई आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि एक सामान्य बजट एक विशेष बजट है एक लाख रुपए का बजट है भाई वहां एक रुपए में लोग क्या करते थे उस समय एक रुपए में करीब करीब दस दिन का खर्चा चल जाता था बीस पैसे में हम लोग हम लोग मैं आपकी बात नहीं कर रहा हम लोग अपने जमाने में बीस पच्चीस पैसे में जलेबी भी खा लेते थे समोसा भी खा लेते थे यानी चाट उस समय प्रसिद्ध होता था और गुब्बारे वगैरह भी ले लेते थे हमें याद है बीस पच्चीस पैसे मिलते थे ज्यादा से ज्यादा एक रुपये मिलता था और आज तो दस रुपये में समोसा भी नहीं मिलता चिंता मत करो अभी अनुच्छेद वाली क्लास एक दो दिन बाद ही आ जाएगी आपके बीच में उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को तो ठीक एक बात तो यह है, आप लोगों ने देखी और इसमें क्या है भाई शिक्षा पर खर्चा करने के लिए एक लाख का बजट बन गया ठीक बजट है ध्यान रखना एक लाख रुपए का बजट बना इसके अलावा इसी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन हो गया यानी भारत में क्या हुआ भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हो गया इसके पूर्व ईसाई मिशनरी भारत में थे तो लेकिन बहुतायत पैमाने पर नहीं थे और अब जब ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ तो इनके आने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि ईसाई मिशनरी अब भारत आ रहे हैं और भारत आकर अब ये क्या करेंगे अब भारत में ये ईसाई धर्म का प्रसार करेंगे और प्रचार भी करेंगे तो ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में हुआ अब ये जो ईसाई मिशनरी हैं, ईसाई मिशनरी भारत आएंगे और भारत में आके भारत के स्कूलों में जाएंगे भारत के कॉलेज में जाएंगे भारत के अन्य संस्थानों में जाएंगे भारत की जेलों में जाएंगे और वहां पर जाकर जो तमाम सारे भारतीय हैं, उनको लालच देंगे कि अरे भाई ईसाई धर्म को स्वीकार करो अगर ईसाई धर्म को स्वीकार करोगे तो तमाम सारा लाभ आपको होगा अब इसी कारण से कई सारे भारतीयों को ऐसा लगने लगेगा कि भाई ये तो लालच दे रहे हैं ईसाई लोग और लालच दे के भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं अब तो ये लगेगा तो कुछ जो भारत के कट्टर लोग हैं उनको ऐसा लगेगा कि जो भारत का सनातन धर्म है जो हिंदू धर्म है उस पर अंग्रेज अब क्या डाल रहे हैं पहरा वो कम हो रहा है तो कालांतर में आप लोग देखेंगे कि अठारह के विद्रोह का धार्मिक कारण एक यह भी बनेगा ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश अब पहले तो ये क्या करेंगे पहले तो लोगों को लालच देंगे और फिर जबरदस्ती भी करेंगे जबरदस्ती भी करवा के भारतीयों से ये ईसाई धर्म को धारण करवाएंगे इसके अलावा ईसाई मिशनरियों के परिपेक्ष में तो ये बातें हुई और 1813 के चार्टर एक्ट के परिपेक्ष में एक सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह यह है कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा इंग्लैंड का कोई भी नागरिक भारत आ रहा है इंग्लैंड का कोई भी व्यापारी अगर भारत आ रहा है तो भारत में अब आएगा तो भारत में चाहे वो व्यापार करे या भारत में बसे या भारत में निवास करे आ रही है आवाज अब हम्म बताओ आप लोगों को आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है ऐसा कैसे हो गया हम्म देख लिया तेज देख लिया देख लिया महाराज देख लिया अब आ रही है आवाज ना हम्म बच के रहना कोविड <COVID> से <coughs> इस बार के कोविड से बच के रहना इसका प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है पिछली बार की अपेक्षा ये काफी खतरनाक है हालांकि इसमें डेथ रेशियो थोड़ा सा कम है लेकिन थोड़ा सा बचाव जरूरी है कहीं भी हो इलाहाबाद में आप हो भोपाल में हो दिल्ली में हो लखनऊ में हो हर क्षेत्रों में व्यापक रूप से इसका तेजी से इसका एक तरीके से फैलाव हो रहा है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सबसे जरूरी है मास्क अगर आपने मास्क लगाया है तो इतनी आसानी से तो इसका संक्रमण नहीं होगा लेकिन मास्क नहीं लगाया है तो 200 प्रतिशत इसका संक्रमण हो सकता है क्योंकि तो मैं देख रहा हूं कि घर में अगर एक व्यक्ति को हो जा रहा है तो घर में चाहे वो बच्चा हो चाहे वो जवान हो इस बार सबको संक्रमण हो रहा है कुछ घर तो ऐसे हैं कि पूरा घर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और पिछली बार का जो स्ट्रेन था वो ऐसा स्ट्रेन नहीं था उसमें घर में किसी एक व्यक्ति को हो गया दूसरे को उतनी आसानी से नहीं होता था हाँ, चुनावी रैलियों को छोड़ के वहां पे नहीं होता कोरोना आप लोग समझ ही रहे हैं तो थोड़ा सा बचाव जरूरी है थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है इस बार का जो स्ट्रेन है वो फैल बहुत तेजी से रहा है और इस बार थोड़ा सा सरकार भी उस तरीके से जैसे पहली बार लॉकडाउन हुआ तो वैसी स्थिति इस, इस बार लॉकडाउन की बहुत मुश्किल है हो सकता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग जाए ये आने वाले दिनों में भाई परिस्थिति के ऊपर है लॉकडाउन जो संक्रमण बहुत तेजी से होगा तो फिर लॉकडाउन ही एक उपचार होगा क्योंकि इस फैलाव को तो रोकना है ना अब इसके लिए सरकार तमाम सारे उपाय भी कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से सरकारें इसमें लगी हुई हैं कई क्षेत्रों में चाहे वो उत्तर प्रदेश हो राजस्थान हो मध्य प्रदेश हो लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग अगर अपना ध्यान रखेंगे और खास करके मैं एक दो बातें आपको बता रहा हूं कि पानी निरंतर आप लोग पीजिए और खूब पानी पीजिए और गुनगुना पानी पीजिए क्योंकि तो ये जो कोविड है इसकी एंट्री इसी गले के माध्यम से होती है और तीन चार दिन तक ये गले में रहता है अब अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो कई बार ये यहीं पे इसका खात्मा हो जाता है और काढ़ा भी घर में बनाइए स्वदेशी काढ़ा जिसे बोलते हैं और उसको भी रोज हो सके तो पीजिए आप लोग कहीं भी हो नहीं तो दूसरे दिन तो जरूर पीजिए तो ये सारी तो खैर कोविड की बातें हैं और ये 1813 के चार्टर एक्ट की बातें रही अरे यहां तो कई लोग कोविड 19 ये 21 नाम से भी हैं पिछली क्लास की पीडीएफ डी मिल जाएगी निश्चिंत रहिए अब इसीलिए आ गए हैं सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कृतिका त्रिपाठी ठीक है पंडित जी पीडीएफ मिल जाएगी निश्चिंत रहिए <coughs> कोई नहीं इस समय फीवर भी हो सकता है सामान्य रूप से तो परेशान नहीं होना है ठीक है परेशान नहीं होना है कि यहाँ मान लीजिए आपको कोविड नाइन्टीन ऐसा नहीं है फीवर भी बहुत सारे लोगों को है और इसमें भी इस बार फीवर ही हो रहा है स्टार्टिंग में फीवर ही हो रहा है उसके बाद में गले में खराश हो रही है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अट्ठारह का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो जो अट्ठारह का चार्टर एक्ट आया इसकी भूमिका को हम लोग समझ चुके हैं इसके पूर्व में आप लोगों ने देखा कि जो काल मार्क्स है और जो बेंथम दार्शनिक हैं, इनका इस एक्ट पर प्रभाव है इस बात को यूपीएससी ने पूछा है मार्क्सवादियों का भी इस पर प्रभाव है और बेंथम वादियों का भी इस पर प्रभाव है और इन्हीं प्रभावों के कारण इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो भारत में तमाम सारी अनैतिक गतिविधियां हैं जो कुरीतियां हैं जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको ब्रिटिश सरकार ने दूर करने का प्रयास किया क्योंकि बेंथम वादी दार्शनिक लगातार इन कुरीतियों की आलोचना कर रहे थे तो ये जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें पहली बात ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके भारत में व्यापार को 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया और गिफ्ट दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने मिलके ब्रिटिश सरकार को तो कहा भैया 20 साल के लिए और व्यापार कर लो लेकिन जो चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार बना रहा और चाय का व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा वह इस 1833 के चार्टर एक्ट तो द्वारा क्या किया गया समाप्त कर दिया गया यहाँ पे लिखा भी है ये चाय के व्यापारिक अधिकार को और चीन के साथ जो व्यापारिक अधिकार था चीन के साथ दो प्रकार का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी चीन के साथ एक तो चाय का व्यापार करती थी और एक अफीम का व्यापार करती थी और इससे बहुत ज्यादा लाभ होता था दोनों को ध्यान में रखिएगा चाय का व्यापार और अफीम का व्यापार अब यह व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया अब कोई भी कंपनी चाहे वो इंग्लैंड की हो चाहे वो किसी देश की हो अब वह भारत में चाइना के साथ व्यापार कर सकती थी और चाय के व्यापार को भी कर सकती थी एक बात तो ये हो गई अब दूसरी बात यह है, है कि भारत में इसके पूर्व जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है उसकी बड़ी आलोचना की गई कि जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उसमें तार तमता आपस में नहीं बैठ पाती कई सारी प्रेसिडेंसियां भारत में इस समय स्थापित हैं तो इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन का केंद्रीकरण किया केंद्रीकरण किया अभी तक एक तरीके से बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाता था इसी तरीके से मद्रास और बंबई में उप गवर्नर जनरल होता था वह वहां के प्रशासन को चलाता था कई बार यह देखने में आया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद बंबई प्रेसिडेंसी नहीं मान रही है और बंबई प्रेसिडेंसी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी नहीं मान रही है तो अब प्रशासनिक समतुल्यता कायम करने के लिए इस 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था जो ध्यान दीजिएगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल होता था तो इस समय 1833 के चार्टर एक्ट के समय आप लोग देखेंगे तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसका नाम है विलियम बैंटिंग उसका नाम क्या है उसका नाम है बिलियम बैंटिंग अब यह जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसके पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नवीन पद का गठन किया गया और इसका नाम क्या है इसका नाम है भारत का गवर्नर जनरल ध्यान दीजिएगा भारत का गवर्नर जनरल और ये जो बिलियम बैंटिंग है ये विलियम बैंटिंग आप लोग देखेंगे तो ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है इसी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को अब भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया अब ये बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रह गया अब ये संपूर्ण यानी ऑल ओवर इंडिया का ये गवर्नर बन गया यानी इसके कद में वृद्धि हो गई देखिए 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा अब ये पूरे भारत की प्रशासनिक गतिविधियों को देखेगा इसी परिप्रेक्ष्य में कहा हूं मैं कि भारत में प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्रीकरण किया गया ध्रुवीकरण किया गया यानी अंग्रेजों का अब जो साम्राज्य है 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा वो केंद्रीकृत साम्राज्य है सारी लगभग लगभग शक्तियां इस भारत के गवर्नर जनरल के अंदर में है और इस पद पर नियुक्ति विलियम बैंटिंग को मिली किसको मिली भैया बिलियम पेंटिंग को मिली ठीक और यहां पे एक ध्यान और दीजिएगा ये जो भारत के गवर्नर जनरल की परिषद है भारत के गवर्नर जनरल की परिषद है आप लोगों ने देखा था कि इस परिषद में सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कुल चार सदस्य थे लेकिन बाद में आप लोगों ने देखा सत्रह का जब चार्टर एक्ट आया तो यहां के सदस्यों की संख्या घटा दी गई और इसके अनुसार अब सदस्य संख्या तीन हो गई लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार सदस्य संख्या कुल कितनी हो गई सदस्य संख्या फिर चार कर दी गई लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो चौथा सदस्य शामिल हो रहा है चौथा सदस्य इस समय पूर्ण सदस्य नहीं था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का यह पूर्ण सदस्य नहीं था क्यों पूर्ण सदस्य नहीं था भैया पूर्ण सदस्य इसलिए नहीं था क्योंकि इसको मत देने का अधिकार नहीं था जब गवर्नर जनरल और उसकी परिषद बैठती थी तो वहां पर यह मत नहीं दे सकता था वहां पर सलाह दे सकता था इसी परिपेक्ष में कहा गया कि यह पूर्ण सदस्य नहीं है तो सदस्य कैसा है तो कहेंगे कि यह विधिक सदस्य आपसे प्रश्न कैसा पूछेगा इस अधिनियम के परिपेक्ष में आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में सर्वप्रथम एक विधिक सदस्य को शामिल किया गया तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ध्यान रखिएगा यह बात आप लोगों ने देखी यही बात यहां पे लिखी हुई है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर बिलियम बैंटिंग की नियुक्ति की गई तो पीडीएफ में भी है आप लोग पढ़ लेना ये पीडीएफ मिल जाएगा निश्चिंत रहिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा ठीक हम्म आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं ये विधिक सदस्य है ठीक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य आ गया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य आपके सामने आ गया आगे बढ़ते हैं एक और बात इस समय जो भारतीय कानून है ना भारतीय कानून बिखरा पड़ा है चारों तरफ जो भारतीय कानून से संबंधित तमाम सारी साहित्य और पुस्तकें हैं भाई उन्हीं में तो कानूनी बातें लिखी हुई हैं। तो उसका दो पन्ना किसी म्यूजियम में पड़ा हुआ है चार पन्ना कहीं और पड़ा हुआ है काफी बिखरा हुआ है चाहे वो स्मृति ग्रंथ हो चाहे वो वैदिक ग्रंथों जो सनातन धर्म से संबंधित हैं सारी विधिक बातें उसी में तो लिखी हुई है तो जो भारतीय कानून से संबंधित तमाम सारी साहित्य हैं उनको एकत्रित करने के लिए यानी उनको संगीताबद्ध करने के लिए और उनको संरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अठारह के चार्टर एक्ट में एक विधि आयोग का भी गठन किया किसका गठन किया एक विधि आयोग का गठन किया और इस विधि आयोग का अध्यक्ष इस समय किसको बनाया गया इस विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ लॉर्ड मैकाले को बनाया गया तो आपसे प्रश्न पूछेगा किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम भारत में एक विधि आयोग का गठन किया तो इसी सत्रह सो के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में सर्वप्रथम एक विधि आयोग का गठन किया और इस विधि आयोग का अध्यक्ष इसको बनाया इसी लॉर्ड मैकाले को बनाया इसके अलावा एक बात और देखिए ये जो 1833 का चार्टर एक्ट है इसके द्वारा एक धारा लाई गई इस धारा को आप लोग इसी तरीके से रोमन शैली में समझिएगा ये यहाँ पे नियम सत्रह लिखा हुआ है ये धारा सत्रह लिखा हुआ है हमने हिंदी में भी लिख दिया है ये दस है ये पांच है और एक सिंगल एक है ये एक सिंगल एक है तो दस पांच पंद्रह दो सत्रह धारा सत्रह द्वारा भारत से सती सिस्टम को समाप्त कर दिया गया और सती सिस्टम को भारत में समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंग है और जिस भारतीय का इसमें हाथ है वो राजा राममोहन राय साहब हैं इन्हीं दोनों के प्रयासों से नियम सत्रह द्वारा सिस्टम को भारत से समाप्त कर दिया गया अब अगर कोई भी महिला भारत में सती प्रथा को अपनाते हुए पाई जाएगी अपना लिया तो तो कोई बात नहीं भाई भारत में तो कानून की निगाहों में अगर कोई व्यक्ति आंसी लगाता है यानी सुसाइड करता है तो वो भी अवैध है लेकिन मान लो सुसाइड कर लिया तो उसको सजा नहीं मिलेगी लेकिन सुसाइड करते हुए पकड़ा गया उसको कई सालों की सजा भुगतनी पड़ती है अब तो आप सोचिए तो अब कोई अगर सती प्रथा करते हुए पाया जाएगा तो वो गैर कानूनी होगा ये वही सती प्रथा है जिसका साक्ष्य पहली बार भारत में गुप्त काल में एरण के अभिलेख में मिलता है एरण का अभिलेख मध्य प्रदेश के एरण जिले में स्थित है और 510 सौ ईस्वी में सती प्रथा का पहली बार साक्ष्य मिलता है इसमें एक महिला सती हो जाती है कालांतर में हर्षवर्धन की जो माता यशोमती रहती हैं वो भी सती हो जाती हैं उनका भी साहित्यिक साक्ष्य मिलता है उसके बाद में प्राचीन भारत में सती प्रथा भारतीय हिंदू समाज में खास करके राजपूताना समाज में बड़ी गहराई से व्याप्त हो गई मध्यकाल में भी यह स्थिति रही एक मध्यकालीन सुल्तान है तुगलक का जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक उसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था लेकिन खत्म नहीं हुई कालांतर में अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था लेकिन खत्म नहीं हुई उसके बाद में जब पुर्तगाली भारत आए तो पुर्तगालियों का एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था अलबुकर्क फ्रांसिस्को डी अलबोकर फ्रांसिस्को डी अलबुकर्क ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया क्योंकि तो गोवा की विजय इसी ने 1510 में की थी तो जो गोवा का क्षेत्र है वहां पे सती सिस्टम को इसने समाप्त कर दिया था कालांतर में इस विलियम बैंटिंग ने नियम सत्रह के द्वारा ध्यान रखिएगा यह नियम सत्रह ऑप्शनल में आपको इसी तरीके से विकल्प के रूप में मिलेगा नियम सत्रह आपको इस अंग्रेजी में नहीं मिलेगा तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग नहीं तो यहां पे दिक्कत पैदा हो जाएगी तो सती प्रथा समाप्त हो गई कालांतर में आप लोग देखेंगे अठारह सो तो के विद्रोह में अठारह के विद्रोह का एक धार्मिक कारण इस सती प्रथा की समाप्ति भी बनेगी कैसे ध्यान दीजिएगा इस बात को मैं समझा रहा हूं आप लोगों को ये जो सती प्रथा है हमने बताया भारतीय हिंदू समाज में प्रचलित है और खास करके राजपूताना समाज में और कुछ प्रथाएं कुछ कुरितियाँ ऐसी भी हैं जो हिंदू धर्म के अलावा मुस्लिम धर्म और संप्रदाय में भी हैं तो जैसे इन प्रथाओं को जो कराते थे हिंदू धर्म में वो पंडित थे और मुस्लिम धर्म में मुल्ला और मौलवी कराते थे तो ये लोग इन प्रथाओं के माध्यम से भी लाभान्वित होते थे लेकिन ये जो कुरीतियां हैं इन कुरीतियों को खत्म किया अच्छा काम किया ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने इसमें गलत क्या था भाई किसी को जिंदा ही जला दिया जा रहा है तो ये संगत है असंगत है लेकिन इसका भी इन पंडितों ने विरोध किया क्यों चूंकि इससे इनका स्वार्थ पूरा होता था ये लाभान्वित होते थे भाई सती प्रथा को कराने में बहुत सारा चढ़ावा इनको मिलता था वैसे ही मुस्लिम धर्म के मुल्ला मौलवियों को भी मिलता था तो ये लोग नाराज हो गए और नाराज होके अठारह के विद्रोह में ये लोग भी शामिल हुए तो ये कैसी नाराजगी है मुझे तो नहीं अच्छी लग रही है लेकिन इनकी नाराजगी के केंद्र में यह बात तो थी ही लेकिन दूसरी बात क्या थी दूसरी बात तो ये थी कि भारत में हम शासित हो रहे हैं और एक विदेशी शक्ति द्वारा शासित हो रहे हैं तो मूल भावना अठारह के विद्रोह का यह था कि किसी भी तरीके से हम फिरंगियों को भारत से बाहर खदेड़ दें और आपसे ही एक, एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो फिरंगी शब्द है इस फिरंगी शब्द का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम किसने किया था अगर कोई बता दे तो उसको इनाम दिया जा सकता है इस फिरंगी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया कोई बता सकता है फिरंगी शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए किसने किया था चलिए विकल्प लीजिए आप लोग फिरंगी शब्द का प्रयोग इन अंग्रेजों के लिए मुगल सम्राट अकबर ने किया था मुगल सम्राट शाहजहां ने किया था मुगल सम्राट बहादुर शाह ने किया था मुगल सम्राट जहांगीर ने किया था या मुगल सम्राट औरंगजेब ने किया था जल्दी से बताइए विकल्प हैं आपके सामने इतने सारे विकल्प हैं हिरंगी शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के लिए सर्वप्रथम किस भारतीय या मुगल सम्राट ने किया था देखिए और उत्तर बताइए देखता हूं कौन बताता है भाई बताइए उत्तर बताइए बताओ भाई नहीं भगत सिंह ने नहीं अरे नहीं पूजा ऐसी बात नहीं है पंडितों की मैंने एक नेगेटिव बात आपने बताई तो इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप क्योंकि तो अभी मैं कुछ बातें ऐसी बता सकता हूं कि एक मिनट में आपकी विचारधारा बदल जाएगी एक मिनट में देर नहीं लगेगा तो वो एक नकारात्मक पहलू था इस तरीके से आप लोगों को समझना है गलत तरीके से नहीं समझना है कि पंडितों ने देश को ऐसा लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा कि क्या पता किसी पंडित के हाथ में आपकी कांपी चली गई फिर क्या होगा सोचो तो ये जो शब्द हैं आपके ये काफी एकांगी हैं और एक मिनट में मैं एक मिनट में इन शब्दों को बदल सकता हूं और आप ही तुरंत कहेंगे नहीं 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 पंडितों ने देश को बचाया तो हमने एक असंगत बात बताई पंडितों की ठीक तो ऐसा नहीं बोलना है आप लोग यूपीएससी के छात्र हो तो समझते रहना है कि कहां पे कैसे कब कौन सी गतिविधि हुई हमने इसलिए इसको बताया ठीक है ना ये समझना है आपको बस आलोचना नहीं करनी है ठीक अब आइए थोड़ा सा यहां पे देखिए कि फिरंगी शब्द का प्रयोग किसने किया सब लोग ध्यान दीजिएगा एक सवाल है आपके सामने और बड़ा ही रोमांचित कर देने वाला सवाल है और इसमें से मुझे लगता है एक लोगों ने अभी तक उत्तर बताया है दो लोगों ने उत्तर बताया है दो लोगों ने उत्तर बताया है इतने लोगों में दो तीन लोगों ने उत्तर बताया है एक मौर्य जी हैं एक लोग और हैं और दोनों लोगों ने उत्तर दिया है जहांगीर इसी जहांगीर ने फिरंगी शब्द का प्रयोग किया तो ये जो जहांगीर है ये है एक शब्द और यहाँ पे बनता है यह है जो जहांगीर है इस जहांगीर ने फिरंगी शब्द का प्रयोग इस अंग्रेज के परिपेक्ष में किया और कालांतर में फिर सभी अंग्रेजों के परिपेक्ष में इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा तो पहली बात तो आप लोगों ने यह माना कि जहांगीर ने फिरंगी शब्द का प्रयोग किया और फिरंगी शब्द का प्रयोग इसने 1608 सौ ईस्वी में किया और इस शब्द का प्रयोग इसने किसके परिपेक्ष में किया इसने कैप्टन के परिपेक्ष में किया। परिपेक्ष में किया एक कैप्टन हाकिंस के परिपेक्ष में किया ये अंग्रेज है ये जहांगीर इस कैप्टन हाकिंस को फिरंगी खां की उपाधि देता है किसकी उपाधि देता है फिरंगी खां की उपाधि देता है एक और तो आधारभूत बात आप जानिए अंग्रेजों को हम अंग्रेज नहीं कहते थे लेकिन इसी जहांगीर ने अंग्रेजों को क्या कहा इसी जहांगीर ने इस कैप्टन हाकिंस को ही एक उपाधि दी और यह उपाधि किसकी दी यह उपाधि इंग्लिश खां की दी यह उपाधि इंग्लिश खां की दी ध्यान रखिएगा आप लोग अब अंग्रेजों को हम लोग अंग्रेज के नाम से और फिरंगी के नाम से जाना जाए जानेंगे ठीक तो ये महत्वपूर्ण बात थी हमने आपको बताया ध्यान रखिएगा आप लोग और भी तमाम सारी उपाधियां देता है लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे एक और बात इस 1833 की एक्ट की 1833 के चार्टर एक्ट की एक धारा थी और इस धारा का नाम था धारा सतासी, धारा सतासी के अनुसार क्या किया गया जो सरकारी सेवा में चयन का आधार है जो सरकारी सेवा में चयन का आधार है कई बार जाति के आधार पर संप्रदाय के आधार पर स्थान के आधार पर रंग के आधार पर बढ़ावा दिया जाता था अब सरकारी सेवा में इस भेदभाव को खत्म कर दिया गया और इसको खत्म करने के लिए एक धारा का निर्माण किया गया जिसका नाम है धारा सतासी इसको याद रखिएगा नहीं तो अन्य बातों को ही याद करते रहेंगे आप लोग और यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा तो यहां पे हम लोगों ने 1833 के चार्टर एक्ट को पढ़ा इसकी कई धाराओं को देखा जैसे प्रशासन का केंद्रीकरण कैसे किया गया कंपनी की व्यापारिक स्थिति को समाप्त कर दिया गया एक विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया एक विधि आयोग का गठन किया गया भारत के कानून और उससे संबंधित जो साहित्य है उनको इकट्ठा करने के लिए संगीताबद्ध करने के लिए सती सिस्टम को नियम सत्रह के द्वारा समाप्त किया गया धारा सतासी के द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव को समाप्त किया गया आपको अपने ध्यान को इस तरफ आकर्षित करना है जब आईएस वाईएस बन जाइएगा तब अपना बोलिएगा आप लोग अभी तो आप लोगों को पढ़ना है और एकांगी नहीं बनना है ठीक आगे बढ़ते हैं और एक अधिनियम और हम लोग पढ़ेंगे और यह आखिरी अधिनियम है आज की क्लास का अठारह का चार्टर एक्ट अब 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अठारह और अठारह के विद्रोह के पूर्व भारत में एक और चार्टर एक्ट आ रहा है यह अंतिम चार्टर एक्ट होगा इसको ध्यान से पढ़ना है इसमें कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण ये जो 1813 सो सो का चार्टर एक्ट लाया गया तो इसके पूर्व आप लोगों ने देखा होगा कि 1848 के समय यह जो 1848 है इस 1848 के समय भारत में एक गवर्नर जनरल है और इस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी और ये जो डलहौजी है ये भारत में अपने व्यपगत नीति के कारण यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण यानी राज्य की विलय नीति के कारण सबसे अधिक चर्चा में ये भारतीय रियासतों को अपनी इस नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना ले रहा है कई रियासतें इसमें इस नीति के द्वारा इसने अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था तो इससे ये जो डलहौजी है यह भारत में अनैतिक रूप से काफी प्रसिद्ध हुआ था तो जो इंग्लैंड में भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं और अच्छा करने का प्रयास करते हैं और भारत में भी इंग्लैंड के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत और ब्रिटेन में तमाम सारी अनैतिक गतिविधियों की और ज्यादा आलोचना करते हैं तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि अट्ठारह का जब ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट लाया तो अठारह के चार्टर एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की पहली बार यह घोषणा की कि अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में गतिविधियों को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। यानी एक चेतावनी दी ये देखो भाई आपकी गतिविधियों को भारत में अब हम समाप्त कर सकते हैं आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि सर्वप्रथम किस चार्टर एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में गतिविधियों को समाप्त करने की घोषणा की या घोषणा नहीं चेतावनी दी तो अठारह के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को खत्म कर दिया गया ऐसा नहीं तो इसमें ये पहली बार यह बात शामिल थी अब इसकी कुछ बातें हैं इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोगों ने देखा होगा कि जो निदेशक मंडल हैं निदेशक मंडल निदेशक मंडल का मतलब क्या है निदेशक मंडल का मतलब है सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कार्यकारी संस्था है ईस्ट इंडिया कंपनी की ये निदेशक मंडल के सदस्य ही भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करते हैं तो निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या आप लोगों ने देखा होगा कि सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के पूर्व भी और बाद भी 24 थी इनके सदस्यों की संख्या अभी तक भी 24 है लेकिन अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया यानी कुल कितने सदस्य घटाए गए छह सदस्य घटा दिए गए यह भी आपसे पूछ सकता है कुल कितने सदस्य घटाए गए छह सदस्य घटा दिए गए यानी चौबीस से घटाकर 18 कर दी गई निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या <coughs> इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि एक विधिक सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा ध्यान से पढ़िएगा बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं कि एक एक बिंदु आपकी समझ में आ जाए भटकना ना पड़े 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक विधिक सदस्य को शामिल किया गया था यह पूर्ण सदस्य नहीं था लेकिन अब इस विधिक सदस्य को इस अठारह के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया यहां पे देखो लिखा है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया यानी गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें अब कुल कितने सदस्य हो गए कुल चार सदस्य हो गए और चारों पूर्ण सदस्य हैं और क्या काम किया गया अठारह के द्वारा विधि निर्माण है तो सर्वप्रथम एक 12 सदस्यीय विधानसभा यह बहुत महत्वपूर्ण बात है इसको ध्यान से समझिएगा कालांतर में इसी को समझाएंगे और समझना बहुत मुश्किल होगा लेकिन यहां पे समझ लेंगे तो आगे भी समझ लेंगे सर्वप्रथम अट्ठारह के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में विधियों को बनाने के लिए जैसे भारत में वर्तमान में संसद विधि बनाती है ना और राज्य के परिपेक्ष में विधानसभा विधि बनाती है तो अब भारत में विधि बनाने के लिए एक बारह सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई देखो विधान परिषद लिखा हुआ है विधानसभा नहीं यानी आल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल इसका नाम पड़ा और यह भी ध्यान रखिएगा इसमें कुल कितने सदस्य थे अधिकतम सदस्य बारह थे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि विधि के निर्माण के लिए भारत में सर्वप्रथम एक विधान परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अनुसार हुई और आप उठा के साल पेपर देख लीजिए 2009 में यह प्रश्न पूछा भी और इसके अलावा प्रश्न पूछेगा भी तो कहां से पूछेगा हो सकता है कालांतर में दूसरी प्रकार से यहां से प्रश्न पूछ ले और इस विधान परिषद में कुल बारह सदस्य थे अब यह बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसमें कुल कितने सदस्य थे बारह सदस्य थे इसके अलावा एक और बात जो कंपनी के कर्मचारी हैं अधिकारी हैं या निदेशक मंडल के सदस्य हैं अट्ठारह तिरपन के चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब आप लोगों की नियुक्ति एक कंपटीटिव एग्जाम द्वारा होगी यानी एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा आप लोगों की नियुक्ति होगी यह बात कही गई अट्ठारह तिरपन के चार्टर एक्ट में कि भाई अब कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति एक कंपटीटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा होगी आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अनुसार की गई तो अठारह के चार्टर एक्ट के तहत की गई तो ये आपके सामने अठारह का चार्टर एक्ट रहा अठारह का चार्टर एक्ट रहा तो आज की क्लास में आप लोगों ने अठारह का चार्टर एक्ट पढ़ा उसके पूर्व भी कई एक्ट पढ़ा आप लोगों ने जैसे हमने 1813 के चार्टर एक्ट से आज की नहीं 1813 क्या तेरह की पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू किया सत्रह को पढ़ा सत्रह को पढ़ा 1813 1833 1853 को पढ़ा मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कि इसके अलावा जीरो प्रतिशत भी आपको इस संबंध में कहीं से भी पढ़ने की जरूरत है अगर ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो नहीं तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा इसको एक बार और देख लीजिएगा इसके बाहर से आप कहीं भी किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए ना प्रश्न पूछा है ना पूछेगा क्योंकि तो सिलेबस से ज्यादा कोई क्या पढ़ाएगा अब थोड़ा बहुत मुख्य परीक्षा की बात है तो मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण को हम लोगों ने देखा तो लेकिन अभी पढ़ा नहीं और पढ़ेंगे भी नहीं क्योंकि तो ये प्रारंभिक परीक्षा की क्लास है तो आज की ये चार बजे वाली क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आज ही 9 पीएम से एक और क्लास होगी और उसमें हम लोग प्राचीन भारत का अध्ययन एमसीक्यू के रूप में करेंगे और 9 पीएम की क्लास इसलिए महत्वपूर्ण होगी चूंकि इसमें आज हम लोग पाषाण काल के इतिहास का अध्ययन करेंगे आप लोग बहुत आयत पैमाने पर भाग लीजिए नौ बजे की क्लास में आज ही होगी नाइन पीएम की क्लास इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही ये संवैधानिक अधिनियम कल की क्लास में खत्म होगा ये पूरा पीडीएफ एक ही फॉर्मेट में है तो पूरा आपको मिल जाएगा क्योंकि जितने भी संवैधानिक सुधार हैं उसका एक ही पीडीएफ है तो उसको काट के एक एक भेजना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो जैसे ही हम लोग उन्तीस सौ के अधिनियम को पढ़ लेंगे कल की क्लास में आपको ये पूरा पीडीएफ सत्रह के रेगुलेटिंग एक्ट से और 1935 के अधिनियम तक मिल जाएगा तो आपको भी पढ़ने में और सहेजने में आसानी होगी क्योंकि एक पीडीएफ होगा तो इसका पीडीएफ आपको कल मिलेगा ध्यान रखिएगा आप लोग पीडीएफ के परिपेक्ष में परेशान नहीं होना है ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आप लोग इसी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसी पे हमारे बहुत सारे पुराने पीडीएफ पढ़े भी होंगे उसमें से भी आप लोग खोज सकते हैं और ये पीडीएफ भी यहीं पे मिल जाएगा ये पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा अन एकेडमी में कहीं भी आप लोग सबक्रिप्शन लेते हैं तो ये हमारा रेफरल कोड है आप लोग इसका प्रयोग करें इसका प्रयोग करने पे कहीं भी किसी भी कम्पटेटिव एग्जाम में यूपीएससी नहीं किसी भी कम्पटिटिव एग्जाम में आपको 10 प्रतिशत फीस में कटौती मिलेगी यानी छूट मिलेगी तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ आप लोग शामिल हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू हाँ डेली क्लास होगी बेटा डेली क्लास होगी निश्चित रूप से पूरी तन्मयता के साथ क्लास होगी पूरी उत्साह के साथ क्लास होगी बस आप लोग पढ़ने में मन बनाइए ठीक ना और अपना ध्यान रखिए चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, बहुत आप लोगों को